नमस्कार, BNI टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ वीके मिश्र। देखिए यह रिपोर्ट। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरे बारिश के दौरान यहाँ सैकड़ों मकान जलमग्न हो जाते हैं और सैकड़ों एकड़ यहाँ की खेती पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। किसान हलकान हैं, भुखमरी के कगार पे पहुँच चुके हैं, माली हालत बिगड़ चुकी है। लेकिन जिला प्रशासन के स्तर से यहाँ कई बार दस्तक दी गई, प्रयास किया गया, लेकिन समुचित दिशा में कदम न उठने के कारण यह समस्या अभी तक बरकरार है। यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन है जो कि जलमग्न है। भुखमरी के किसान यहाँ के परेशान है, भुखमरी से परेशान है। अगर यहाँ पे अंडरग्राउंड नाला बन जाए 5 फीट आगे तक, जो है 5 फीट तक जाएगा तभी, क्योंकि आगे एनएचआई है। अगर वहाँ तक व्यवस्था हो जाए तो यहाँ के किसान जो है जल निकासी से छुटकारा पा जाएंगे, अपना रोजी रोटी करके कमाई खाएंगे। एक विकास खंड के महुआरी ग्राम पंचायत में है हमारे साथ। यहाँ महुआरी ग्राम पंचायत के तमाम ग्रामीण मौजूद हैं और यहाँ जल निकासी के अभाव में सैकड़ों एकड़ यहाँ फसल जलमग्न हो जाती है। किसान पिछले कई सालों से व्यथित हैं, लेकिन अभी जिला प्रशासन के स्तर से समुचित दिशा में कदम न उठने के कारण यह समस्या बरकरार है। इतना ही नहीं, आपको बता दें व्यापारी भी यहाँ काफी संख्या में प्रभावित हैं। हमारे साथ यहाँ महुआरी गांव के कुछ निवासी हैं। आपका शुभ नाम मोटा जी, क्या समस्या है महुआरी ग्राम पंचायत में ये सिंचाई की और ये जो जल निकासी के अभाव में लोग यहाँ परेशान रहते हैं, किसान व्यतीत है, खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो दिक्कतें क्या हैं? बारह महीना ही बुरा पूरा यहाँ चाहे पानी से बुरा रहा, न धान हो पावा था, न गेहूँ हो पावा था। अब इतना जो हम बाहर उठाई के जो हम बाहर पानी में थी, आना जाना बाहर रास्ता ना मिला। हाँ, कमर बराबर पानी रहता। क्या दिक्कत जो यहाँ पे है उसके समाधान की दिशा में क्या कदम उठने चाहिए, इसका समाधान होना चाहिए, किस तरह से इसका निराकरण हो जाए कि किसानों को राहत मिले? अब यही नाला खुदाई जाए, नाला बदे कऊ बार जो होगा यहाँ देवाता थे, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं के सुनने वाला हवा नहीं के हैं कि जो होगा पानी जब बरसा था बुरा रहा था। अधिकारी लोग ज्ञानपुर से आवे थे, लेकिन बस देखे बाद जो होगा फिर चला गए काम मूल लें, एक बाद फिर दर्शन नहीं दें, फिर कब हम जो होगा किसान लोग हल्ला पुल्ला करें, फिर यहाँ कहीं कि हाँ बन जाए, लेकिन उसका कोई ध्यान दबाना नहीं। ये थे हमारे साथ महुआरी ग्राम पंचायत के किसान, जिन्होंने बताया अफसर आते हैं, चले जाते हैं, प्रस्ताव बनाते हैं, मसौदा तैयार होता है, लेकिन समस्या अभी ज्यों की त्यों है। व्यापारियों की भी समस्या है यहाँ पे। हमारे साथ यहाँ एक व्यापारी नेता अरविंद जी है। अरविंद जी, व्यापारियों को किस तरह से किसानों के साथ ये जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ता है? सर, यहाँ पे बरसात के समय में 4-5 महीने ऐसे पानी लगा रहता है, कमर तक पानी लगा रहता है। और यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, यहाँ आना जाना इतना उन लोगों को दुर्लभ हो जाता है कि 5 महीने तक उनका व्यापार जो है उसका पूरा एकदम बंद रहता है, क्योंकि कर्ज से एकदम बोझ में दबे रहते हैं। इसका अगर नाले का अगर अंडरग्राउंड नाले का निर्माण हो जाए, NHAI ने एक बड़ा नाला बनाया, अगर यहाँ से नाला बन के उसे NHAI के नाले में जोड़ दिया जाए तो यहाँ की समस्या में लग रहा है खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ महुआरी ग्राम पंचायत के ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि इस तरह की समस्याएं यहाँ मौजूद हैं। जल निकासी का अभाव है, कई बार अफसरों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। यहाँ के किसानों और व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि यदि समय रहते समस्या के निराकरण की दिशा में जिला प्रशासन के स्तर से सार्थक कदम नहीं उठाया जाता है तो वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। भदोही से मिथिलेश द्विवेदी।